الله الرحمن الرحيم. ये वो अहम पहलू है जिसकी तरफ बहुत कम तवज्जो दी जाती है, लेकिन इसे बयान होना चाहिए. अगर कोई जानना चाहता है कि इमाम ज़माना के ज़ुहूर के बाद आलमी सतह पर जो निज़ाम अदल कायम होगा वो कैसा होगा, तो उसकी एक झलक हमें 40 हिजरी से लेकर 35 हिजरी से लेकर 40 हिजरी में नजर आती है. ये अजीब है. बस मेरे ऐसी दोस्तों के आखिरी गुफ्तगू है, आखिरी निशस्त है, आखिरी मजलिस है. मैं चंद बातें अपने बच्चों से, अपने जवानों से कहना चाहता हूं कि मुमकिन है कि परवरदिगार तौफीक दे या अल्लाह की मशीयत हो, फिर ऐसे दानिशवरों और ऐसे अहले मारिफत के बीच में हाजिर होने का मौका ना मिले. खुद मेरे अजीजों, जो सैयदुश्शुहदा मदीना से रुखसत होती के जुमले इरशाद फरमाए, बल खरजतु लितलब अल-इस्लाह फी उम्मति जद्दी रसूलिल्लाह. और जिस इमाम का हम इंतजार कर रहे हैं, मैंने एक मजलिस के वसत में ये कहा था, फलसफे गैबत इमाम ज़माना क्या है और फलसफे ज़ुहूर इमाम ज़माना क्या है. इमाम कब जाहिर होंगे, कब आका कयाम फरमाएंगे. अगर कोई जानना चाहता है तो मैंने अर्ज किया था कि वही फलसफा ज़ुहूर है जो फलसफा गैबत है. अगर किसी ने समझ लिया कि इमाम गायब क्यों हुए थे तो वो समझ जाएगा कि इमाम का ज़ुहूर कैसे होगा. गायब इसलिए हुए, अलबत्ता गायब की तशरीह से मुतल्लिक भी मैंने अर्ज कर दिया था, शायद ये नामुनासिब होगी लफ्ज इमाम ज़माना से मुतल्लिक कहना. हम बराह रास्त इमाम की हिदायत से जो महरूम हो गए, इसकी वजह यह क्या है कि इमाम हमेशा उम्मत के लिए आता है, उम्मत के बगैर इमाम का तसव्वुर नहीं है. लेकिन अल्लाह ने पहले 11 नेमतें भेजी, वो 11 इमाम मैदान में आकर उम्मत को बुलाते रहे, आवाजें देते रहे और हमारा साथ तो, ताकि हम निजाम अदल को कायम करें, निजाम अदल को नाफिज करें. लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया सिवाय मामूली चंद एक अफराद के. तो मैंने अर्ज किया था कि इमाम ज़माना हक ताला का आखिरी जखीरा है, इसलिए परवरदिगार का ये जो कानून है जिसको मैंने अर्ज किया था कि अगर अल्लाह की किसी नेमत की कदर ना की जाए तो परवरदिगार वो नेमत वापस ले लेता है. पहले 11 बुलाते रहे, उम्मत नहीं गई, अब उम्मत बुलाती रहेगी और परवरदिगार अपनी आखिरी नेमत उम्मत के सुपुर्द उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक कि उम्मत तैयार ना हो जाए, उम्मत आमादा ना हो जाए. चाहे हम दुआ मांगे चाहे दुआ ना मांगे, जिस दिन हम आमादा हो गए, जिस दिन हमारे अंदर वो ज़र्फ़ियत पैदा होगी, इस्तेदाद पैदा होगी, सलाहियत पैदा होगी, तो फिर आका अपने रुख जमाल से पर्दा हटा देंगे. फिर यूसुफ फातिमा का ज़ुहूर होगा. असल असास आमादगी है. इस आमादगी का आगाज हमने खुद से करना है. खुद सासी ये पेशखेमा और असास है मुआशरा सासी के लिए. हमने खुद को आमादा करना है, हमने खुद को तैयार करना है, हमने खुद को इस काबिल बनाना है. वक्त नहीं है कि मैं सानी है सहरा इस आफाकी जुमले को, जिनको डॉक्टर आयशा बिन तुशाती ने अपनी किताब अलबतलतुल हुर्रिया में और अल्लामा तकी जाफरी ने अपनी किताब हुसैन इब्ने अली शहीद फरहंगे पिशरोए बशरियत में सानी जहरा के इस जुमले को बयान किया. देखिये इमाम का गैबत की वजह उम्मत की अदम आमादगी है, उम्मत की बेकदरी है. कब ज़ुहूर फरमाएंगे, जब उम्मत तैयार हो जाएगी. तो फिर असर गैबत इमाम ज़माना में हमारी क्या जिम्मेदारी है, सिर्फ एक जिम्मेदारी कि हम खुद को उम्मत बनाएं. ये उम्मत किसे कहते हैं कि अगर बहुत बड़ा इज्तिमा हो जाए, लाखों अफराद इकट्ठे हो जाए तो उम्मत बन जाएगी, या फिर करोड़ों से उम्मत बनती है. ना, कभी भी बेशौर इकाइयों के मजमूए से उम्मत वजूद में नहीं आ सकती. एक जमा सिफर जमा सिफर जमा सिफर जमा सिफर, अब सिफर बढ़ाते रहे, सिफरों के बढ़ाने से हर गिस उम्मत वजूद में नहीं आएगी. बाशऊर मुतअहिद जिम्मेदार गयूर बावफा एहसास रखने वाले अफराद की मजमूए से उम्मत बनती है. हमारी जिम्मेदारी, इन मजालिस का मकसद, इन आजादारियों का मकसद यह है कि हम खुद को उम्मत में ढालने में कामयाब हो जाए, उम्मत बनाए. उम्मत कैसे बन सकती है, उम्मत साजी का मंसूब क्या है, ये शरीकतुल हुसैन इस्मत सुग़रा अकीले बनी हाशिम बतलतुल हुर्रिया करबला की शेरुल खातून ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा ने उम्मत का मंसूब बनाया. ये जवान के जो मुख्तलिफ मैसेजेस को दूसरे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं, फला इमाम ने ये कह दिया, फला इमाम का जुमला है, ना 99% ऐसी गजाफ बातें होती, इधर उधर की बातें होती हैं
और हम समझते हैं अच्छी बात है, ऊपर किसी इमाम का कोई नाम लिख के फॉरवर्ड करते हो, हम बगैर तहकीक के उसे आगे भेज देते हैं। पैगंबर इस्लाम फरमाते कि किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतनी बात काफी है कि हर सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के आगे मुंतकिल कर देना। रोक के ये सोचना है कि इस कलाम में इतनी वसअत और जामईयत और आफाकियत है कि ये मासूम का कलाम हो सकता है। मासूम का कलाम खुद बताता है कि ये मासूम का जुमला है, मासूम के कलाम ऐब नहीं हो सकता, नक्स नहीं हो सकता। ये जुमले जो आप इधर उधर की बातें मुंतकिल करते हैं और सब बात समझते हैं कि शायद मैंने सवाब का काम किया है कि मैंने एक बात को आगे बढ़ाया, ना। अगर बढ़ाना चाहते हैं तो इस जुमले को आगे मुंतकिल करें, अगर चाहते हैं अपनी जिंदगी का सरनामा करार दे दें, अगर चाहते हैं किसी खुशनवीस से, किसी कातिब से, किसी खत्ताश से लिखवाएं, या खुद कोशिश करके लिखें और ये जवान ये बच्चे अपने कमरों में इस तहरीर को आवेशा करें, सुबह शाम देखें, सानिया जहरा के इस जुमले की आफाकियत को महसूस करें, इसकी वसअत को महसूस करें, इसकी जामियत को महसूस करें। बीबी ने ये उम्मत साजी का मंसूर दिया है हुसैनियों के लिए कि अगर आखिरी हुसैन के जहूर के लिए आमादा होना चाहते हो, एक दूसरे के मुआविन और मददगार बनना चाहते हो, तो उम्मत साजी का ये मंसूर है, इसे अपने बच्चों में मुंतकिल किया जाए, इसे अपनी नस्लों में मुंतकिल किया जाए, इसे अपने दोस्तों में मुंतकिल किया जाए, एक दूसरे की मदद की जाए। दोस्ती का मकसद ये कि अगर चंद लम्हे इंसान साथ गुजार ले, बैठ के एक दूसरे को लतीफे सुना दे, इधर उधर की बातें सुने, ना। दोस्ती अहम तरीन रिश्ता, इंसान बचपने में, जवानी में, लड़कपन में, बुढ़ापे में, जिंदगी के हर मरहले में दूसरों के साथ रफाकत और दोस्ती का मोहताज है। इस्लाम दीनी मुआशरत है, दोस्ती की बहुत अहमियत है, लेकिन समझना है कि हम किसको अपना दोस्त बना रहे हैं, कि इसलिए कि दोस्त कभी कभी इंसान को जन्नत तक पहुंचा देता है, कभी कभी यही दोस्त जहन्नम तक पहुंचने का सबब बन जाता है। और कब्र में जाने के बाद कुरान मजीद की आयात भी है, खुद कब्र में जाने के बाद इंसान ये चीखेगा, पुकारेगा, फरियाद करेगा, या लैतनी लम अत्तखिज फलानन खलीला, ऐ काश मैंने फलां को अपना दोस्त ना बनाया होता। दोस्त इंसान साजी में, इंसान की शख्सियत में उसका बहुत किरदार है, असर है। अपने दोस्तों को इस तरतीब से रफ्ता रफ्ता इन पैगाम को मुंतकिल करें, एक मुआशरे में उम्मत साजी में अपना अपना किरदार अदा करें। पहले खुद से इंसान शुरू करे, और खुद से शुरू करने का ये नुस्खा शायद मैंने पिछले सालों में आपकी खिदमत में अर्ज किया था, ये अहम है। इस बात को उस्ताद हक शहीद मुर्तजा मुतहरी ने बयान किया, क्या वजह है कि 100 साल की नमाज तहज्जुद इंसान को किसी मकाम पर नहीं पहुंचाती, असादारियों में शिरकत कर रहे हैं, हर साल हज के लिए जा रहे हैं, तहज्जुद पढ़े जा रहे हैं, नमाजें पढ़े जा रहे हैं, तिलावत किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी रूह में कोई इंकलाब बरपा नहीं हो रहा। इसलिए अगर कोई सालिक इल्लाह बनना चाहते हैं, कोई हक ताला की तरफ सफर करना चाहते हैं, अगर कोई इरफान की मनाजिर तय करना चाहते हैं, अगर कोई खुद खुदा की मंजिल तक पहुंचना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहला अमल, वक्त नहीं रहा कि मैं उसकी तरफ इशारा करूं, लेकिन सबसे पहला अमल खुद इस्तिगफार है, तौबा है। लेकिन तौबा कैसे की जाए, जिस तरह से अमीरुल मोमिनीन ने नाज़ुल बलागा में बयान किया कि तौबा के 6 रुकन, वक्त नहीं कि मैं उसकी तरफ इशारा करूं, ये अहम है। अगर मुमकिन हो वो बातें खुद से आप मुताला कर लीजिए। इसके बाद हमने जो मुआशरा साजी के लिए कदम बढ़ाना है, मैं बस सानी जहरा का जुमला अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में। बीबी फरमाती कि ये जहान राबतों का जहान है, और इंसानी राबते 4 तरह से। इंसान का पहला राबता उसके अल्लाह के साथ है, दूसरा राबता खुद उसका अपने साथ है, तीसरा राबता बाकी इंसानों के साथ है, चौथा राबता आलम तबीयत के साथ है, जिसे आप नेचर कहते हैं। बीबी ने, सैयदा ने, सानिये जहरा ने, शरीकतुल हुसैन ने, अली की शेदिल बेटी ने, आलिम गैर मुअल्लमा ने इंसानी राबिते को 4 हिस्सों में तकसीम किया, अल्लाह के साथ, अपने साथ, इंसानों के साथ, तबीयत के साथ, और उसके बाद कानून दिया, उसूल दिया। फरमाया कि इंसान एक कामिल वो है, और मुकम्मल इंसान और बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, एक मुतवाजन शख्सियत वो है जिसका इन चारों के साथ राबिता हद कमाल पर हो, अल्लाह के साथ भी, अपने साथ भी, बंदों के साथ भी, तमाम इंसानों के साथ भी, और आलम तबीयत के साथ भी।
अगर इसे खोला जाए तो शायद इसके लिए कई अशरे चाहिए। खुद सबसे पहला रابطہ हमारा हमारे अल्लाह के साथ है। हमारी ममलिकत वजूद पर सिर्फ और सिर्फ हक तआला की हाकिमियत होनी चाहिए, अल्लाह की हाकिमियत होनी चाहिए। हम अपने मालिक नहीं है। ये जिस्म, ये जान, ये सलाहियत, ये वक्त, ये जिंदगी हमारे पास अमानत है, हम मालिक नहीं। हम में से किसी को इख्तियार हासिल नहीं कि अपनी उंगली काट दे। अगर मालिक है तो काट दे, लेकिन ना, अगर हम उंगली काटेंगे हुकूमत इस्लामी है तो हम पर हद जारी होगी, हमें सजा दी जाएगी। ये जिस्म हमारे पास अमानत है, ये उम्र हमारे पास अमानत है, ये जिंदगी हमारे पास अमानत है, वक्त अमानत है। कीमती तरीन मता जिसे मुसलसल धड़ धड़ लुटा रहे हैं, कोई एहसास नहीं। अगर कोई फकीर तंगदस्त कोई दामन फर आकर हमसे कोई मुतालबा करे तो हम उसको 100-200 रुपए देते हुए कई मरतबा सोचेंगे, उसका चेहरा देखेंगे, पता नहीं मुस्तहिक है नहीं है। दरहाली की ये दौलत, ये माल अचानक से इंसान को मिल सकता है, कोई खजाना भी उसके साथ हाथ में आ सकता है, विरासत में भी मिल सकता है। लेकिन अगर हम पूरी दुनिया की दौलत को जमा करके कोशिश करें कि एक लम्हा अपनी जिंदगी का गुजारा हुआ ये वापस ले, तो वापस नहीं ले सकते। हम समझते कि शायद मौत अचानक आती है, दफअतन आती है। इमाम बारगाह में किसी मस्जिद की चबूतरे से ऐलान होता है, लाउड स्पीकर से ऐलान होता है कि फलां का इंतकाल हो गया, हम चेने गोलियां शुरू करते हैं। क्या हुआ उसको? ये तो 30-40 साल का जवान था, अचानक मौत होगी, खैर हो, क्या हुआ उसको? ना, अचानक नहीं मरा, इसको मरते मरते 30-40 साल लग गए। मुसलसल हर कदम इसका मौत की भयानक वादी की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए लाजिम है इंसान मुआसबा करे। हमें ये बताया गया कि कब्र में सबसे पहला सवाल ये नमाज से मुतालिक होगा। ना, नमाज की नौबत तब आएगी जब इबादत के दफ्तर खुलेगा, इबादत के बारे में जब सवाल आएंगे। सबसे पहला सवाल इंसान से कब्र में उसकी जिंदगी से मुतालिक होगा, उसकी उम्र से मुतालिक होगा। बता, जिंदगी कहां गुजारी है, कैसे गुजारी? ये मताए जान, ये सरमाए हयात, एक एक लम्हा। इंसान तदरीजन मरता है, दफअतन नहीं मरता। इसको जिसे हम कह रहे हैं कि क्या हुआ अचानक मर गया, इसे मरते मरते 40 साल लग गए। हर नफस उम्र गुजश्ता की है, मैयत फानी, जिंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। मुसलसल मर मर के इंसान पहुंचता है, ये मराहिल है। सो सबसे कीमती तरीन मता जिसको हम ये देखना है कि हम किसके साथ गुजार रहे हैं। वक्त और जिंदगी ऐसी चीज नहीं कि जिसे आतलो बातल लोगों के साथ गुजारा जाए। ऐसे फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, धड़ धड़ बैठे हो, एहसास नहीं है, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। अब व्हाट्सएप खुल गया, फलानी ऐप खुल गई, अब इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है, फलां पे बातें हो रही है, फलां के साथ मैसेजेस हो रहे हैं, घंटों गुजर रहे हो, परवाह नहीं है। फिर सेल रखा, फिर किसी और के साथ गुफ्तगू करना शुरू कर दी। ना, एक एक लम्हे की कदर करनी है। कीमती तरीन मता फौतुल वक्त अशद मिन फौतुल रूह, लिअन्ना फौतुल वक्त इनका इनकिताउ अनिल खालिक व फौतुल रूह इनकिताउ अनिल मखलूक। ये शेर मौले मुत्तकियान से मंसूब है कि वक्त का जाया होना इंसान के मर जाने से ज्यादा सख्त है। इसलिए कि जब इंसान मरता है तो उसका राबता मखलूक से कटता है, लेकिन जब इंसान का वक्त बर्बाद हो रहा होता है तो उसका राबता खुदा से कट जाता है। खुदा से इंसान का राबता कट जाना ये सख्त है, ये सबसे बड़ी चीज। ये जवान जो मोबाइल सेल अपनी जेबों में दबा के रखते हैं और दिन में जैसे ही मैसेज आता है खोलते हैं, फिर मैसेज आता है फिर जेब से निकालते हैं। सफर में मैंने देखा कई दफा लोगों को सफर में, चूंकि हम ज्यादा सफर में होते हैं, मोटरसाइकिल चल रहा है, मोटरसाइकिल पे बैठा है, दो चरखा है, दो टायर है, रिस्क है कार की नस्बत, ये सवारी ज्यादा मुश्किल तर है, पेचीदा तर है। जरा सा हाथ फिसला, गिरा, मर गया, कोई दूसरा ऊपर सवारी करके कोई और इसके ऊपर कार या कोई ट्रक उसके ऊपर आ गया, मौत होगी। इसके बावजूद इस दर्जा गाफिल है, जैसे ही मोटरसाइकिल चला रहे उसे बीच में आके मैसेज आया तो मैं चलाते हुए पड़ रहा है, पता नहीं आपको ऐसा इतफाक हुआ नहीं हुआ, फिर लिख रहा है, जवाब दे रहा है। ये ए जवान, मैं आप किसी और से बात नहीं करता, मैं उससे बात करता हूँ जो मकतब महदवी का पैरोकार है, जो इमाम जमाना के साथ ताल्लुक रखता है। कि अगर दिन में कोई आपको 100 मरतबा मैसेज करते हैं, 100 मरतबा मोबाइल सेल निकालते हैं, 500 मरतबा मैसेज करें, 500 मरतबा मोबाइल सेल निकाल के देखते हैं, पता नहीं आप किसने मैसेज किया। नमाज में अगर वो टूम की आवाज आती है तो फौरन से जैसे ही नमाज खत्म होती है पहला काम करता है सेल निकाल के देखता है कि पता नहीं आप किसने मैसेज किया। रात सोने से पहले आखिरी काम मोबाइल सेल देखता है, सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम अपना मोबाइल सेल, पता नहीं किस किस के मैसेज आए होंगे। दिन में 1000 मरतबा मैसेज आए, 1000 मरतबा उठा के देखता है। ऐ जवान, ऐ हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत करने वाले, वो हुसैन की जो कुरान के इस दर्जा आशिक थे, मैं अर्ज नहीं कर सकता, वक्त नहीं है। दिन में 1000 मरतबा
मैसेज है, हजार मरतबा उठा के सर को देख रहा कि किसने मैसेज किया, दिन में कम से कम एक मरतबा कुरान मजीद को खोल के देखा करके तेरे अल्लाह ने तेरे लिए क्या मैसेज भेजा। हमने खुद को गुम कर दिया, लोगों में गुम कर दिया। मौलाए रूह फरमाते हैं कि इंसान क्यों तन्हाई से दहशत महसूस करता है, खलवत में जब होता है तन्हाई से डरता है, घबराता है, जी चाहता है कि किसी के लोगों के बीच में चल के बैठे, इज्तिमा में चल के बैठे। का इसलिए कि हमने खुद को दूसरों में गुम कर दिया और खुद को बराबर दूसरों में तलाश कर रहे हैं, इसलिए हम खुद से मिल नहीं पाते। अगर कोई खुद याबी के मरहले में दाखिल होना चाहता है, खुद से मिलना चाहता है, इसलिए कि खुद शनासी, खुद याबी और खुद से मिलना ये खुदा शनासी की तमहीर है। इसलिए कुरान फरमाते हैं वला तकूनू कल्लदीना नसुल्ला फकत अनसाहुम अनफुसुहुम, खबरदार उन लोगों की तरह से ना हो जाना जिन्होंने अपने रब को भुला दिया कि उनके रब ने उन्हें उनका अपना आप भुला दिया। जो खुद फरामोश होता है वो खुदा फरामोश होता है। खुदा शनासी के लिए पहला कदम खुद शनासी है। खुद शनासी के लिए खलवत चाहिए, तन्हाई चाहिए, जो मुसलसल इज्तिमा में, लोगों में, चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए खत्म मरतबात की जो मुनाजात शाबानिया में जुमला मिलता है कि इलाही हबली कमाल इनकता इलैक परवरदिगार, तुम मुझे कमाल इनकता अता फरमा। क्यों चाहते थे खत्मी मरतबा कार हेरा में, मैं लाहौर में, ये बात मैंने शायद पहले भी याद की थी, लाहौर में हमीद लतीफ हॉस्पिटल, वहां पे डॉक्टर थे सैयद थे, इत्तेफाक से वो भी गर्देजी थे। तो मैं गया इलाज मुआवजे के लिए उनके पास गया, तो वो दवा दी, उन्होंने नुस्खा लिखा और साथ में मुझसे कहा कि सिर्फ दवा से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत चला करें, वॉक किया करें। फिर मुझे देखा कि दीनी तालबिल में, तो मुझे शौक दिलाने के लिए, उसको रगबत दिलाने के लिए मुझे कहा कि मैं अभी हज पे गया हुआ था। जब मैं हज पे गया तो फिर मैंने पैगंबर इकराम इस्लाम के घर से लेकर गारे हिरा तक मैंने जब गया, सफर किया, तो मैंने देखा कितना डिस्टेंस है, इतना फासला है, और पैगंबर डेली इतनी ज्यादा वॉक करते थे और फिर पलट के वापस आते थे, इतने किलोमीटर जाने में लगते थे इतने, तो इसका मतलब कि सबको वॉक करनी चाहिए। मैंने कहा अगर आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि वॉक करनी चाहिए तो ये अच्छी बात है, मैं वॉक करूंगा, लेकिन अगर आप मुझे ये कहना चाहते कि पैगंबर वॉक के लिए गारे हिरा जाते थे तो ऐसा हर किसी को। उन्होंने पूछा फिर आप बताएं क्यों, कहा किस मकसद के लिए जाते थे। मैंने कहा खत्मी मरतबा ये बात समझाने के लिए जाते थे कि दो चीजें कभी भी आपस में जमा नहीं हो सकती, एक ताल्लुक दूसरा ताअक्कुल। ताल्लुक और ताअक्कुल कभी भी आपस में जमा नहीं हो सकते। ताल्लुक और ताअक्कुल क्यों, आसान करो, गौर व फिक्र और ताल्लुकात। इंसान का जिन चीजों में अटका हुआ है, जुड़ा हुआ है, गाड़ी के साथ उसका जिन, मोटरसाइकिल के साथ, मोबाइल सेल के साथ, लैपटॉप के साथ, घर के सामान के साथ, खवातीन बर्तनों में उलझी हुई से ना, चीज है, जरूरत है, उससे इस्तेफादा करना ये दुरुस्त है, लेकिन उससे एक रूही ताल्लुक बरकरार कर लेना, कल्बी ताल्लुक बरकरार कर लेना, उसके बगैर ना रह सकना, उसे अपनी आदत बना लेना, उसके साथ जुड़ लेना, उसके साथ कल्बी वाबस्तगी इख्तियार कर लेना, इसकी मुदर्रात क्या है ये अर्ज कर रहा हूं कि ताअक्कुल और ताअल्लुक ये कभी जमा नहीं हो सकते। गौर व फिक्र के लिए तजर्रुब चाहिए, दूसरे लफ्जों में गौर व फिक्र के लिए गारे हिरा चाहिए। इंसान को इसलिए खलबत चाहिए कि वो खलबत में खुद से मिल सके। इंसान दूसरों में इस तरह से उलझा हुआ है उसकी जिंदगी, ये आज का बहुत बड़ा अलमिया है। ये जो मैं देखता हूं कभी कभार एक जवान इस तरह से मजलिस हुसैन में बैठा होता है, बहुत कम ऐसे इत्तेफाक होता है, लेकिन कभी कभी देखने में कैफियत आती है कि मजलिस इमाम हुसैन में बैठा है और मजलिस के दौरान भी उसे नहीं रहा जा रहा, और वो जेब से मोबाइल सेल निकाल के फिर ऐसे देखता है, फिर देख के दोबारा से जेब में डाल लेते हैं। क्यों, इसलिए कि मजबूर है। इसलिए हम समझते हैं, ये हमारी खुशफहमी समझ लीजिए, हम समझते हैं कि शायद हम मोबाइल सेल को इस्तेमाल कर रहे हैं, ना, ये गलत है। मोबाइल सेल हम लोगों ने तब इस्तेमाल किया था जबकि नया नया हमारी जिंदगियों में आया था। अब हम खुद बाजीचा बन चुके हैं, हम इन चीजों के हाथों यरगमाल हो चुके हैं, हम मासूर हैं, मुकय्यद हैं, इस तरह से हमें जकड़ा गया, इस तरह से हम बाजीचा बने, हम खुद इस्तेमाल हो रहे हैं। इसलिए आज कर मेरे अजीजों ताल्लुक और ताअक्कुल जमा नहीं हो सकते। ये उनके लिए बातें कर रहा हूं जो चाहते हैं कि खुद आका इमाम जमाना के साथ अपना ताल्लुक बढ़ा लें, सिर्फ रस्मी तौर पर दुआएं। मैं देखता हूं पढ़ने वाला कभी ऐसे दुआ मांग रहा होता है, अल्लाहुम्मा कुल वली कल हुज्जत इब्न हसन, सुनने वाला भी उसने हाथ उठाए हुए घड़ी को देख रहा है, किसी दूसरी चीज को देख रहा है, जमा ही ले रहे ना, आका के लिए दुआ की जाए और फिर इतनी बेरहमती के साथ ना, क्यों, इसलिए कि हमारा ताल्लुक नहीं जुड़ा है, इत्तेसाल नहीं हुआ है, फसल नहीं हुआ, वरना जब आका का नाम आए फिर इंसान की कैफियत बदल जानी चाहिए। क्यों, इसलिए कि हम हमारा वो ताल्लुक उस्तवार नहीं हो सकता। कैसे उस्तवार होगा,
قرآن مجید کی جو امام زمانہ کا وجود قطبی ہے، اگر کوئی دیکھتا ہے بھئی یہ شوق ہے انسان امام کا ظہور ہو جائے، آئیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تہران میں ایک نوجوان تھا اور وہ وہاں پہ آیت اللہ تہرانی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، اور ایک دن آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ میں نے اسے دیکھا کہ یہ بیٹھا ہے اور بڑی اچھی کیفیت میں چہرے کا، نمازی تھا، انہیں کے محلے میں رہتا تھا، تو کہا چہرے کا رنگ زرد ہے اور بالکل اس کی آنکھیں دھسی ہوئی ہیں، عجیب سی کیفیت، میرے پاس آیا بیٹھا، اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا، میں نے پوچھا کیا ہوا، کیا بات ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی ایسی خدا نہ خواستہ مخفی بیماری، کوئی پریشانی ہے، کیا ہوا، کیوں ایسی کیفیت بنا ہوئی ہے؟ کہا نہیں بتا سکتا، آیت اللہ تہرانی کا بتاؤ کیا ہوا ہے، کہہ رہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں، کہا کہ میں ہمارے ہاں سے بس جاتی تھی ہر شب جمعہ کو، ہمارے محلے سے ہر شب بدھ کو، منگل اور بدھ کی درمیانی شب کم جاتی تھی مسجد جمچران، ہم نے یہ سن رکھا تھا کہ اگر وہ 40 شب شبائے بدھ میں مسلسل جائے، ہر بدھ کی شب میں جائے، 40 شبوں میں جاتا رہے، تو اسے امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوگی، تو میں بھی اسی شوق میں جاتا رہا، ہر بدھ کی شب میں میں باقی افراد کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ جاتا تھا وہاں پہ، جب اور جب 40 شب مکمل ہو گئی تو اس کے بعد پھر میں آ گیا اور کوئی زیارت نہیں ہوئی، تو میں نے کہا یہ میں نے وقت ضائع کیا، مجھے ایسے ہی کہا گیا، یہ شاید من گھڑت بات ہے، جھوٹی بات ہے، لیکن دو دن پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ میرے گھر والے کسی شادی پہ گئے ہوئے تھے، کسی فنکشن میں گئے ہوئے، میں گھر میں اکیلا تنہا تھا، ایسے میں گھر کی بیل بجی، دق الباب ہوا اور میں دروازہ کھولنے کے لیے گیا، تو جب میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا ایک اجنبی ہے دروازے پہ کھڑے، میں نے پوچھا میں نے آپ کو پہلے نہیں دیکھا، آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں وہی ہوں جس سے ملنے کی خواہش میں تم 40 دن کی شب جاتے رہے ہو، جس کے لیے جاتے ہو، تو میں اچانک سے جب یہ سنا تو ایک مرتبہ مجھے تھوڑی گھبراہٹ ہوئی، اس لیے کہ میرے ہوجرے میں، میرے کمرے میں کچھ ناشائستہ نامناسب چیزیں پڑی ہوتی، کچھ سیریز پڑی ہوتی، ایسی چیزیں تھیں، مجھے لگا کہ اگر آقا کی نگاہ پڑی تو انہیں برا لگے گا، ان کو ناپسند ہوگا، اس میں نے کہا اگر چند میں رک جائیں، میں ابھی آ جاتا ہوں، دوبارہ واپس آ جاتا ہوں، پھر میں آپ کو اندر لے کے جاؤں گا، میں جلدی جلدی چیزوں کو ڈھانپنے لگ گیا، کچھ نامناسب اشیاء کو ادھر ادھر کر کے، تاکہ پھر حضرت کو اندر لے کے آؤں، لیکن مجھے کچھ چند لمحے لگ گئے، کچھ 3-4 منٹ میرے گزر گئے، لیکن جب میں پلٹ کے آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ امام آگے بڑھ چکے تھے، گلی کے مکر تک پہنچ چکے تھے، اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ پروردگار تو جانتا ہے میں کتنے گھروں میں جا چکا ہوں، بلاتے ہیں پھر دروازے پر کھڑا کر دیتے ہیں، موازنہ صرف ظہور کی دعا کرنا کافی نہیں ہے، فرض کریں جب آقا تشریف لے آئیں تو کیا ہمارا گھر اس قابل ہے، ہمارا دسترخوان اس قابل ہے، ہماری خوراک اتنی پاک ہے کہ ہم وہ غذا آقا کے سامنے پیش کر سکیں، یہ لازم ہے، اس لیے میں عرض کروں میرے عزیزوں یہ دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، آقا کی دعائیں مانگے، آقا تشریف لائیں، خود امام زمانہ کا وجود قطبی قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، جو رویہ آج ہمارا قرآن مجید کے ساتھ ہے، اگر آقا امام زمانہ ہمارے درمیان تشریف لے آئیں، کل کو ہمارا ان کے ساتھ بھی یہ رویہ ہوگا، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، یہ حجت خدا ہے، ہمارے لیے پیغمبر نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، یہ ایک دوسرے کے عدیل و بدیل ہیں، ایک سکل قرآن ہے، ایک سکل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا قرآن مجید کے ساتھ رویہ، یہ خود اس لیے میں عرض کرتا ہوں، تجرد تعقل کے لیے تجرد چاہیے، تعقل اور تعلق کبھی جمع نہیں ہو سکتے، مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، میں اسی میں بات ختم کرتا ہوں، مولا روم کا، وہ فرماتے ہیں کہ عروج سے، یہ اس لیے جوانوں کے لیے عرض کرنے جا رہا ہوں، اگر چاہتے ہیں، ورنہ ممکن ہے کہ انسان کبھی کوئی گفتگو سنتا ہے پھر جذباتیت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے، قرآن کھولتا ہے 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن پڑھتا ہے، پھر قرآن دوبارہ واپس اس کو کس کے باندھ دیتا ہے، ختمی مرتبہ نے ہماری ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑی، یہ المیہ ہے، یہ نوبہ ہے، دو چیزیں چھوڑی، قرآن ایک اہل بیت، ایک پردہ غیبت میں، دوسرا پردہ خلاف میں، دونوں سے محروم ہے، اگر کوئی آقا کا قرب اختیار کرنا چاہتا ہے جوانوں کے لیے، سب سے پہلا مرحلہ وہ قرآن کے ساتھ اپنا انس بڑھائیں، قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق بڑھائیں، قرآن کے ساتھ تعلق میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ لغویات ہیں جو ہم نے خود اختیار کر رکھی ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں جسے ہم سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، جیب میں ڈالتے ہیں، اٹھا کے دیکھتے ہیں، نہ ضرورت کے لیے استعمال ہونا چاہیے، لیکن ان کے ہاتھوں بازیچہ بن جانا، ان کے ہاتھوں یرغمال بن جانا، نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم نہ آقا کا ہمیں قرب نصیب ہو جائے گا، نہ قرآن مجید کا ہمیں قرب نصیب ہوگا، یہ مولا روم کا شعر عرض کر کے جوانوں کے لیے پیغام اسی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، وہ فرماتے کہ عروج سے حضرت قرآن نقاب انگاہ براندازت، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے قرآن کی معرفت حاصل ہو
जाए, अगर कोई चाहता है कि उसके कुरान का उंस हासिल हो जाए सिर्फ सवाब के लिए, बरकत के लिए, नजर दूर करने के लिए, नजर बद से बचने के लिए, इन कामों के लिए जहेज में देने की, ना कुरान इस मकसद के लिए नहीं है। कुरान मजीद खुद कहते हैं रुबकार नाम खत्मी मरतबत की हरीस के रुबकार कुरान चक्र और कुरान बल कुरान यल अनूर, बास कारी कुरान की तिलावत करते हैं कुरान पलट कर उनके ऊपर लानत करता है। अमला कुलूब नकफाल हुआ, क्या इनके दिलों पर ताले लगे हुए कि कुरान में तदब्बुर नहीं करते। अफला या तदब्बुर कुरान, कुरान तदब्बुर असल है, अगर हम जिंदगियों में शामिल करना चाहते हैं, जिंदगियों में उतारना चाहते हैं मेरे अजीजों, इसलिए ये मौलाए रूम फरमाते हैं कि उरू से हजरत कुरान नकाब अनगाह बर अंदाजत को, ये तशबीह दी है, फलसफा मिसाल तकरीब जहन है। जब भी मिसाल दी जाती है कुरान में खुदा फरमाता है कि मैं बौरूसा मच्छर मक्खी की मिसाल दूंगा ताकि इंसान को बात समझ में आ जाए, फलसफा मिसाल तकरीब जहन है। एक मौलाए रूम ने भी मिसाल दी का उरू से हजरत कुरान नकाब अनगाह बर अंदाजत का कि कुरान मजीद के मारिफ की दुल्हन उस वक्त अपने रुखे जमाल से पर्दा हटाती है कब के दारुल मुल्क इंसान रा मुजर्रत बीनतस होगा, जब वो इंसान के दारुल मुल्क को शोर शराबे से हंगामे से खाली देखता है। आपने देखा होगा जो अफराद शादीशुदा इन मराहल से गुजर चुके हैं या वो अफराद जिन्होंने शादी करनी है, हमारे यहाँ रस्म है पाक हिंद में कि दुल्हन वो जब उस शादी के मौके पर एक बड़ी सी चादर अपने चेहरे के ऊपर डाल के रखती है जिसे घूंघट कहा जाता है, सारा दिन बारात के मौके पे बाकी लोग आते हैं उसका उसकी जो दुल्हन है उसकी सहेलियां हैं बहनें आ जाए माँ आ जाए, लेकिन उसी तरह से वो उस कपड़े को अपने ऊपर डाल के रखती है जिसे घूंघट कहा जाता है। महरम रिश्ते आते हैं घूंघट नहीं हटाती, उसकी बहनें आ जाए नहीं हटाती, सहेलियां आ जाए नहीं हटाती, रिश्तेदार आ जाए नहीं हटाती, लोग आते हैं सलामी वगैरह उसको तोहफे ताहर देते हैं लेकिन एक तरफ रखिए बराबर घूंघट है, कब हटाती है जब सब चले जाते हैं उसका शोहर आता है उस मौके पर। इसलिए मौलाए रूम ने मिसाल दी कि कुरान को उस दुल्हन से तशबीह दी कि कुरान के ऊपर जो पर्दा है ये मारिफ कुरान पर पर्दा है, कुरान के उलूम पर जो पर्दा है कुरान अपने ऊपर से पर्दा कब हटाता है अपने मारिफ से ताकि इंसान को उंस हो जाए कुरान से और कुरान के उलूम इंसान की वजूद में उतरना शुरू हो जाए। पैगंबर पर कुरान नाज़िल हो तो हमें क्या फायदा है, हमें तब फायदा होगा जब हम पर कुरान मजीद की आयतों का नुज़ूल होगा, हमारे दिल पर कुरान मजीद की मफाहिम इल्का होना शुरू हो जाएंगे। ये काम मौलाए रूम ने